आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी की बंपर शुरुआत हुई है। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। उन्होंने इस मामले में श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ा। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। आईपीएल 2024 के लिए पिछले साल हुई मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के विश्व विजेता कप्तान पैट कमिंस और स्टार्क पर जमकर पैसों की बारिश हुई थी और दोनों ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा था। इसके बाद करीब 2 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया के ही तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क नीलामी टेबल पर आए और उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। दोनों का आधार मूल्य 2 करोड़ रुपए था। आईपीएल नीलामी इतिहास में पहली बार 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हुआ था और वह भी एक साथ दो खिलाड़ियों पर। आपको बता दें कि नीलामी से पहले हाल ही में सभी टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी की थी। इस बार नीलामी में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, जोस बटलर और मिचेल स्टार्क जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की भी बोली लगी, जिन्हें उनकी टीमों ने रिटेन नहीं करने का फैसला किया था। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे पहले 12 मार्की खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई, जिसमें 7 भारतीय और 5 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। सबसे पहले बोली अर्शदीप सिंह पर लगी। उनके लिए दिल्ली, चेन्नई और गुजरात के बीच लड़ाई देखने को मिली। इसके अलावा ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया। वे 25+ करोड़ का आंकड़ा छूने वाले खिलाड़ी बन गए। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा। 2016 के बाद पहली बार पंत दिल्ली के अलावा किसी और टीम से खेलते दिखेंगे। पंत हाल फिलहाल में शानदार फॉर्म में रहे हैं। उन्होंने पिछले साल कार दुर्घटना के बाद वापसी करते हुए खूब रन बनाए थे। लखनऊ की टीम उन्हें कप्तान बना सकती है। पंत इस तरह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ा है। पंत ने 2016 से अपने अब तक के पूरे आईपीएल करियर के दौरान दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के लिए 110 मैचों में 35.31 की औसत से 1 शतक और 18 अर्धशतक के साथ 3284 रन बनाए हैं। उन्हें 2021 में टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था और उस सीजन में उन्होंने अपनी टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया था। 2022 में पंत कार दुर्घटना का शिकार हुए थे। इसी साल आईपीएल में उन्होंने वापसी की थी। पंत साल 2024 में दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने 13 मैचों में 40.54 के औसत से 155.40 के स्ट्राइक रेट से 446 रन बनाए थे। इसमें 3 अर्धशतक शामिल है और नाबाद 28 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा था। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में श्रेयस अय्यर पर 26.75 करोड़ रुपए की बोली लगी है। उन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है। वह इस टीम की कप्तानी करते दिख सकते हैं। वह आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, लेकिन ऋषभ पंत ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रेयस ने मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ा था, जिन्हें पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन पंत ने श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ा। श्रेयस के लिए पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच लड़ाई हुई। इसके बाद कोलकाता ने नाम पीछे ले लिया और फिर पंजाब किंग्स की एंट्री हुई। फिर दिल्ली और पंजाब के बीच उन्हें खरीदने के लिए लड़ाई चली। इस तरह वह 20 करोड़ और फिर स्टार्क और 25 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए। इतना ही नहीं, वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, लेकिन ऋषभ पंत उनसे आगे निकल गए। अपने आईपीएल करियर में अय्यर ने 31.67 की औसत से 2375 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 123.96 का है और उन्होंने 16 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 96 रन का है। केकेआर के लिए अपने पिछले सीजन में उन्होंने 15 मैचों में 39 की औसत से 146 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 351 रन बनाए थे। इसमें 2 अर्धशतक शामिल है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।